हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं हैप्पी होम्स इंडिया। आज हम जिस प्रॉपर्टी का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है स्प्लेंडियोर द ऑनसी एक्स ब्लू, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 142 जैसी प्राइम लोकेशन पर। इस टाइप से ये लोकेशन निकल के आती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। सामने आप जो रोड देख रहे हैं वो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे आया था है। अभी हम सर्विस लाइन पर खड़े हुए हैं जो सीधा महामाया से यमुना एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर जाता है। सामने आप जो सेक्टर देख रहे हैं वो सेक्टर 142 है। सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो एडवेंट बिल्डिंग आती है। सामने आप जो रोड देख रहे हैं यहाँ से हम प्रोजेक्ट में दो तरीके से एंटर करते हैं। एक सामने आप आगे जाके हम लेफ्ट हो जाते हैं और एक मेट्रो स्टेशन के नीचे से रोड चली जाती है जहाँ से हम प्रोजेक्ट में कनेक्ट कर जाते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। अब हम बात करते हैं बिल्डर बैकग्राउंड की। स्प्लेंडर ग्रुप के दो प्रोजेक्ट स्प्लेंडर फोरम एंड स्प्लेंडर फोरम वर्टिकल एक्सटेंशन, जो कि जसोला में डिलीवर्ड प्रॉपर्टी है। गुड़गांव में इनके चार प्रोजेक्ट आते हैं, स्प्लेंडर ट्रेड टावर, स्प्लेंडर स्पेक्टर वन कॉम्प्लेक्स, स्प्लेंडर साइबर पार्क एंड स्प्लेंडर इपीटॉम, जो कि गुड़गांव में इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। अगर मैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो एक इनकी टाउनशिप है अमृतसर में एरो सिटी के नाम से, वो करीब यहाँ पे इन्होंने करीब 150 एकड़ ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने होटल इंडस्ट्रीज में काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। ये जो लोकेशन आती है सेक्टर 142 की लोकेशन आती है। अगर मैं लैंड की बात करता हूँ तो टोटल 10 एकड़ की प्रॉपर्टी आती है, जो कि 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। सामने आपको 45 मीटर वाइड रोड की तरफ से आप अप्रॉक्सीमेटली एक गेट मिल जाता है, एक आपको 24 मीटर वाइड रोड की तरफ से मिल जाता है और एक रोड आपको 30 मीटर वाइड रोड की तरफ से मिल जाता है। तो तीनों तरफ से आपको प्रॉपर्टी के गेट मिल जाते हैं। 10 एकड़ में ये 3 टावर बना रहे हैं। यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं वो रिटेल शॉप, फूड कोर्ट, ऑफिस स्पेस एंड बिजनेस सूट के कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। अगर मैं रिटेल शॉप की बात करता हूँ तो रिटेल शॉप में अप्रॉक्सीमेटली 350-400 स्क्वायर फीट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं फूड कोर्ट की बात करता हूँ तो फूड कोर्ट में अगेन आपको 450-500 स्क्वायर फीट के स्पेस देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं ऑफिस स्पेस की बात करता हूँ तो ऑफिस स्पेस में आपको 1165 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज देखने को मिल जाता है। अगेन आपको बिजनेस सूट की बात करता हूँ तो अगेन उसमें भी आपको करीब 1165 स्क्वायर फीट का स्पेस देखने को मिल जाता है। इस टाइप से प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है। सराउंडिंग मिन सिटी में नंबर ऑफ MNCs ऑलरेडी वर्किंग है, लाइक KPMG, इंडिया मार्ट, विप्रो, इन्फोसिस, ब्रिटिश एयरवेज एंड नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी ऑलरेडी इस लोकेशन में वर्किंग है। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो मेट्रो स्टेशन से लगी हुई प्रॉपर्टी है। मेट्रो स्टेशन आपके प्रोजेक्ट के अप्रॉक्सीमेटली करीब 300 से 400 मीटर की डिस्टेंस पर आ जाती है। अगर मैं प्रोजेक्ट का रेरा ऑलरेडी आ गया है, पोजीशन की बात करता हूँ तो करीब 3.5 से 4 साल में आपको इस प्रोजेक्ट का पोजीशन मिलने वाला है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे आपके प्रोजेक्ट से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आ जाता है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। पीछे आप जो सेक्टर देख रहे हैं वो 137 सेक्टर आता है, जो कि पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर है जहाँ पे एन नंबर ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं, जहाँ पर फैमिलीज रह रही हैं। प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने आपको 1368 मिल जाता है, जहाँ पर भी लोग फैमिलीज रह रही हैं। तो इस बिन सिटी में नंबर ऑफ सेक्टर्स में फैमिलीज रह रही हैं। इस प्रॉपर्टी में रेट के रिगार्डिंग आप नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड नई अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर बजा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट commercialdeco.com को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे एंड यमुना एक्सप्रेस वे के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट देखने को मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।